अजमेर के सुंदर विलास इलाके में रहने वाले रितेश चौरसिया ने डिज्नी हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कर्मचारियों पर ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित रितेश के अनुसार उन्होंने समर हॉलीडे यात्रा पर जाने के लिए बातचीत की। इसी दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें गुमराह कर अलग अलग पैकेज बताए, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद कंपनी द्वारा यह एमआई के माध्यम से भी हॉलीडे पैकेज उपलब्ध करवाने की बात कही, जिस पर रितेश ने सहमति दर्ज कराते हुए जानकारी मांगी। पीड़ित रितेश ने बताया कि कंपनी ने उसके एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज जांचने के नाम पर मंगवा लिए। इसी दौरान कंपनी कर्मचारियों ने उसके अकाउंट से 1,05,000 रुपये निकाल कर टूर बिल बना दिया। इस तरह की गई धोखाधड़ी की सूचना पर उसने कंपनी में बात की तो रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी नंबर स्विच ऑफ कर दिए गए। मामले को लेकर पीड़ित रितेश ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इन एंड स्वीट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मुझे कॉल आई और शाम को 7:30 बजे मुझे टूर एंड ट्रेवल का ऑफ़र देने के लिए बुलाया गया। तो मैं उनके कहने पे 7:30 बजे वहाँ पहुँच गया और उस तरह से उन्होंने धोखे से मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उसमें मेरे बिना बताए 1,05,000 रुपीज़ उसमें से निकाल लिया। और उसका इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने इस तरह दिया कि भाई इसकी ईएमआई कन्वर्ट होगी और आपके 3,000 से 4,000 रुपए के बीच में कटेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा पैसा एक ही बार में काट लिया, जिससे मेरे को बहुत परेशानी हुई। और इतना पैसा एक बार काटने के बाद जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे उसका गोलमोल जवाब दिया और वो फिर मैंने और रातों रात फिर वो होटल खाली करके चले गए।